औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम फैमिली मेम्बर्स को बलूचिस्तान के पीटीए कारकुनान की जानिब से यौम तासीस 28 साल जो कम्प्लीट हुए उनके मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे अजीज़ साथियों, जैसे आप सबको मालूम है कि 28 साल पहले इमरान ख़ान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियाद रखा, तो इस स्ट्रगल में इमरान ख़ान के साथ जैसे बाकी पाकिस्तानियों ने साथ दिया, उसके साथ साथ बलूचिस्तान के आवाम ने इमरान ख़ान को इसलिए चुना, जब 2000 में इमरान ख़ान बलूचिस्तान क्वेटा है तो उसके पंपलेट पे पहला नारा ये था कि ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ेंगे, नवाबों सरदारों की ग़ुलामी नामंजूर होगी और मैं नए नौजवानों को उनके मुकाबले में लाऊंगा। ये सरदाराना निज़ाम, ये नवाबी निज़ाम, ये मुल्क पे जो मुसलत की गई है, ये जो बलूचिस्तान पे मुसलत की गई है, इसको ख़त्म करना मेरे मिशन है। और आज अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि एक मिडिल क्लास का नौजवान पार्टी में इलेक्टेड इलेक्शन करके आया हूँ और इन सरदारों नवाबों में जिन पार्टियों से ताल्लुक रखते उनका मुकाबला करते हुए इमरान खान का एक अदना वर्कर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेसिडेंट हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अभी अलायंस बनाया हमने पाकिस्तान के लेवल पे इमरान खान की राय के हवाले से, सबसे पहले दो जलसे बलूचिस्तान ने की है और इसी तरह अब मैं कल भी चेयरमैन साहब से मिला तो चेयरमैन साहब को ये कहा कि हमें और मौका दे कि हम ये जो इनकलाब है इमरान खान के वर्स करके सूरत में वो हम बलूचिस्तान से शुरू करना चाहते हैं, ताकि हम बता सकें जिन्होंने बलूचिस्तान को एक कानूनी बनाया हुआ है, बलूचिस्तान पे जो मुसलत है, बलूचिस्तान के फैसले जो बंद कमरों में करते थे, पहले तो हमारे ख्याल में यह था कि इस्लामाबाद में किया जाता था, आज खुल के कहते हैं कि वो GHQ में होते, ये करने हम नहीं देंगे। इनके लिए आप लोगों ने देखा पाकिस्तान के तारीख में जितना जुल्म बर्बरियत पाकिस्तान के वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे हुआ, हमारी माओ बहनों पे हुआ, आज भी बलूचिस्तान का लीडर कासिम खान सूरी वो भी आज भी वो दरबदर है, उनके न फैमिली महफूज है न माए बहनें महफूज है, कारोबार इन्होंने तबाह की। इसी तरह पंजाब कैप के इस्लाम सिंध आपके सामने है, लेकिन हम इनके इनसे डरने वाले नहीं है, इन्होंने थैंक यू, इन्होंने जितना जुल्म करना था कर ली है। याद रखना बलूचिस्तान, कम से कम मैं बहसे थे प्रेसिडेंट बलूचिस्तान ये कहूँगा कि अभी जो इलेक्शन हुआ ये पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान आपके लिए ईजी था, जो करोड़ों अरबों रुपये इन लोगों ने कमाए, ये कर्नल आशिम ने जो कमाए, और अब इसके बाद अब फिर इन्होंने जो बलूचिस्तान को अपना घर बनाने की कोशिश की है, अब इनको बनने नहीं देंगे। बलूचिस्तान को इमरान खान ने ऐसे नौजवान पैदा किए हैं कि अब उनका मुकाबला करना मुश्किल है। मैं माजा चाहता हूँ, स्टेज से पहले कहा कि 3 मिनट है, वक्त पाबंदी करूँगा। जब मैं बलूचिस्तान का प्रेसिडेंट बना तो पहली बार जब मैं इस्लामाबाद आया, मैं कोई पैराशूटर नहीं हूँ, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का बुनियाद रखने वाला बलूचिस्तान हम थे, मैं नहीं, हम थे जो आज मेरे साथ आए, यही पूरा टीम इलेक्टेड होकर के आए पीटीआई बलूचिस्तान में। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जब इस्लामाबाद आया तो मैं परेशान था कि इमरान खान ना होने के बाद जब वो नहीं है तो बलूचिस्तान के हवाले से मैं किसके साथ डिस्कस करूँगा। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जब चेयरमैन साहब के पास आया तो उन्होंने जितनी इज्जत थी वो कमी खान का तो कभी पूरा नहीं हो सकता, काफ़ी हद तक चेयरमैन साहब आपने कंप्लीट करवाई, हसन रऊफ साहब आपने जो एक छोटे भाई को मुझे जो आपने तरीका बताया, मैं आप तमाम पार्टी का अदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये अहद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस इनकलाब में बलूचिस्तान सबसे आगे होगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर।